नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ जिले के 22 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए हैं। आज हम आपको एक एक कर बताएंगे कि किस ब्लॉक से कौन ब्लॉक प्रमुख बना है। आपको बता दें कि रानी की सराय ब्लॉक से भाजपा से विपिन सिंह ब्लॉक प्रमुख बने हैं। वहीं तहबरपुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी विनीता यादव ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। मिर्जापुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी फिरती देवी ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार विश्वकर्मा ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। वहीं आजमगढ़ के पलहानी ब्लॉक से सपा से प्रमोद कुमार यादव ब्लॉक प्रमुख बने हैं। महनगर ब्लॉक से सपा से शशिकला देवी ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं। जहानागंज ब्लॉक से भाजपा से रमेश प्रसाद कनौजिया ब्लॉक प्रमुख बने हैं। वहीं सठियाओं ब्लॉक से भाजपा की सरता सिंह ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। महाराजगंज ब्लॉक से भाजपा से सुनीता यादव ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। वहीं आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी उर्मिला यादव ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। हरैया ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी संदीप पटेल ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। आजमगढ़ के पवई ब्लॉक से भाजपा से वरुणकांत यादव ब्लॉक प्रमुख बने हैं। मार्टिनगंज ब्लॉक से भाजपा से यशवंत शर्मा ब्लॉक प्रमुख बने हैं। वहीं आजमगढ़ के कोलसा ब्लॉक से भाजपा से पूजा यादव ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। अतरौलिया ब्लॉक से समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर यादव ब्लॉक प्रमुख बने हैं। अहरोला ब्लॉक से निर्दलीय सहिना बानो ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। पलहाना ब्लॉक से भाजपा से अनुराग सिंह ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। वहीं फूलपुर ब्लॉक से समाजवादी पार्टी से अर्चना यादव ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। लालगंज ब्लॉक से निर्दलीय अमला देवी ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। वहीं ठेकमा ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गावत देवी ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। अजमतगढ़ ब्लॉक से भाजपा से अलका मिश्रा ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं। वहीं तरवा ब्लॉक से भाजपा से मतनुराम ब्लॉक प्रमुख बने हैं। आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों में हमने आपको सभी ब्लॉक प्रमुख जो बने हैं उनके बारे में आपको बताया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।